तो फिर मैंने ढूंढा, फिर भैया को फ़ोन किया, भैया ने बोला कि यहाँ पे तो कोई शूज़ ही नहीं है, और सही बताओ तो मेरे लिए एक चमत्कार था। थैंक यू अंकल शूज़ लाने के लिए। ये आपने शूज़ लाए, थैंक यू भैया। वेलकम बैक टू माई चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। नर्मदे हर लास्ट वीडियो यानी नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 64 में मैंने मीठी तले में आया हुआ नर्मदा मंदिर के बारे में दिखाया था। आज के इस वीडियो यानी नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 65 में मैं मीठी तले से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो भरूच में आया हुआ है वहां तक पहुंचूंगा, पर उससे पहले मैं आपको यहां पे भाड़भूत में आया हुआ बारेश्वर महादेव मंदिर के बारे में दिखाऊंगा। जोखिम लीजिए या मौका गवाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और नर्मदा परिक्रमा मेरा लास्ट डे है। मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है क्योंकि मेरे जो शूज़ थे वो मतलब मिल नहीं रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने लाइक सब सारा सामान निकाला था ना, तो भैया को बोला था कि सारा सामान लेके आ जाना, तो भैया बस कपड़े लेके आ गए, शूज़ रह गए यहाँ पे। तो फिर मैं सॉक्स पहन रहा था तो मेरे को शूज़ मिल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ढूंढा, फिर भैया को फ़ोन किया, भैया ने बोला कि यहाँ पे तो कोई शूज़ ही नहीं है। ये शूज़ काफ़ी एक्सपेंसिव थे और अभी क्या है ना कि अभी मेरे पास स्लीपर्स ही थे, अभी पूरा शूज़ मैं पूरा राइडिंग गियर्स के साथ स्लीपर पहन के अहमदाबाद तक कैसे जाता, मतलब कंफर्टेबल ही नहीं होता। तो फिर भैया को कुछ भी मैंने कुछ भी कहा शूज़ ढूंढो, वहाँ पे कैमरा लगे हुए थे वो देखो, और फिर भैया ने कहा कि इधर तो कोई शूज़ ही नहीं है। तो इतना टेंशन में आ गया, यहाँ पे मीठे तले ही थे, और सही बताओ तो मेरे लिए एक चमत्कार था क्योंकि मैं बस वहाँ पे नर्मदा जी के मंदिर, वहाँ पे नर्मदा मंदिर था, तो मैंने बस वहाँ पे प्रार्थना की कि कुछ गलती हो गई तो माफ़ करो, बस कुछ भी करके वो जो शूज़ है मेरे तक वहाँ पे पहुँचा दो। और बस मैं जैसे ही बाहर निकला तो एक भैया का फ़ोन आया कि आपके जो शूज़ है यहाँ पे एक्चुअली बस आ रही थी ना तो उनके पास है, तो अभी आपके पास आ ही रहे तो वहाँ पे वेट करना, चले मत जाना। तब जान में जाना ही मैंने बोला हाँ चलो बच गए। तो अभी शूज़ आ गए राइडिंग वाले, अभी एकदम कंफर्टेबली जाऊंगा क्योंकि क्या है ना पहले से भी राइडिंग, अभी मैं राइडिंग से जो राइडिंग गियर्स के साथ अभी स्लीपर तो मतलब कंफर्टेबली नहीं होते, पर अभी बहुत खुशी है कि शूज़ आ गए। तो बस वाले भैया को भी थैंक यू कि मतलब वो लेके, एक्चुअली उनको लगा कि भाई ये राइडिंग वाले शूज़ है तो कुछ वो राइडर था तो उसके ही होंगे, तो भैया तो भूल गए थे, तो यहाँ बस वाले भैया थे वो लेके आ गए। तो अभी मैं यहाँ से एक्चुअली जा रहा हूँ, पहले यहाँ पे मीठी तले में यहाँ पे दर्शन हो गए मेरे काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे खाना वाना भी सब खा लिया है मैंने। अभी मैं जा रहा हूँ बरेश्वर महादेव मंदिर, जगह का नाम है दहेज से भाड़भूत की दूरी करीबन 36 किलोमीटर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बरेश्वर महादेव मंदिर है वो दिखाने वाला हूँ। चलो अंकल चलो, बाय बाय। नर्मदे यार, थैंक यू अंकल शूज़ लाने के लिए। ये आपने सुन लिया, थैंक यू भैया। शूटिंग चालू है तुम्हारी। तो चलो अभी निकलते हैं भाड़भूत के लिए। और शूज़ पे कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है ना यार, मतलब कहाँ स्लीपर कहाँ शूज़, राइडिंग में तो स्लीपर थी मतलब शूज़ ही पहनने चाहिए, और राइडिंग ग्लव्स भी पहनी लेते अभी। भाई साहब अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैं स्लीपर्स में इतना स्लो चलाता था कभी एक्सीडेंट ना हो जाए क्योंकि थोड़ा डर लगा रहता था। अरे पेट्रोल भी रिफिल करना है। बारेश्वर महादेव टेम्पल 3 की दिखा रहा है भाई, नेट तो चल रहा है। 1 घंटा 17 मिनट लगेंगे पहुंचने में। नर्मदे हर ओ भाई गर्मी तो देखो, और यहाँ से हमने टर्न ले लिया और ये गुजरात स्टेट हाईवे 206, इतना मजा आ रहा है ना शूज पहन के चलाने में। जम्मू सर 89 किलोमीटर है, वडोदरा 121 किलोमीटर है, और स्टेट हाईवे 6 है, और ये भरूच दहेज रोड है। और अभी खाना भी हो ही गया तो भूख तो बिल्कुल नहीं लगी। आंटी जो मतलब भोजन में खाना खाया, अब एक्चुअली पंडित जी थे तो उन्होंने बोला कि खाना खा के जाना, मैंने ठीक है चलो अभी सुबह सुबह का टाइम था ना भी कहाँ बोलता हूँ, तो मैंने ठीक तो खा के जाऊँगा। तो फिर पहले एक रोटी ली, फिर दूसरी रोटी आंटी ने दी, तो मतलब नहीं दूसरी रोटी नहीं चाहिए, तो फिर आंटी ने बोला नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, मैंने हाँ, तो उन्होंने दे दी, बोला खा के जाओ। तो एकदम पेट फूल हो गया,
और अभी टाइमिंग की बात करें तो अभी करीबन 10:25 है। तो चलो पेट्रोल पंप आया, पेट्रोल रिफिल कर देते हैं। कितने प्राइस क्या है यहाँ पे? फुल कर दो ना, फुल। का पेट्रोल है, रुको यार कुछ लेते हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सामान ले लिया है नाश्ता पानी का, वैसे तो भूख लगी नहीं है पर मैंने चलो ले लेते थोड़ा नाश्ता। तो अमूल कूल ले लिया और बस एक थोड़े चिप्स के पैकेट ले लिए। अरे मैं भी ना यार सेट, गलती से मैंने नीलकंठ महादेव की लोकेशन डाल दी थी तो मेरा अचानक मेरी नज़र की मैंने 60 किलोमीटर कैसे हो गया। फिर जब ध्यान से देखा तो नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी थी, तो अभी वापस मोहन मंदिर की लोकेशन डाली है तो अभी करीबन 35 किलोमीटर, वापस बालेश्वर महादेव मंदिर तो उसकी दूरी करीबन 25 किलोमीटर है। तो नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी यात्रा होगी जो मेरी ज़िंदगी भर याद रहेगी, वैसे तो सब यात्रा याद रहती है पर नर्मदा परिक्रमा एक खास यात्रा थी जो मुझे पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी। महादेव कह रहे यात्रा शुरू करी 22 तारीख मार्च भरूच नीलकंठेश्वर, बस पांचो नीलकंठेश्वर जाऊँ छू। हाँ मध्य प्रदेश में तो बता क्यों अमरकंटक ओमकारेश्वर बसो आए कर दो सुना तो तुम्हारो चिराग वेखड़िया तुम्हारो ना हवा होती रहा नहीं आज वेंटिलेशन से ना। चलो चलो नर्मदे यार। सो अभी ना कई बार ठंडी पानी की बॉटल पड़नी है, सो काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग सपोर्ट करते हैं। मैं जब से राइडिंग कर रहा हूँ ना, मतलब किसी ने भी मुझे डीमोटिवेट ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब ज़्यादातर लोग मुझे सपोर्ट ही करते हैं। पानी की बॉटल तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बस अभी 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है, सोचा अमूल कूल है तो एक बार वो पी लेते क्योंकि वो भी गर्म हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा ठंडा ठंडा पी लेते हैं। यहाँ से ले लेना है राइट और बाद में शुरू रोड होगा अम्बलेश्वर रोड, मतलब ऐसे राइट लेने के बाद। ये मंदिर, उसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर दर्शन कर लेंगे और उसके बाद सीधे अहमदाबाद। तो भाड़भूत गांव का नाम है भाड़भूत। चलो नर्मदा नदी बै बै बै। है कोई मतलब क्या कहते हैं तालाब जैसा है मंदिर। किधर है भाई ये रहा मंदिर, अंदर पार्क कर देता हूँ छाव में, छाव यहाँ कर देता हूँ। और अभी मैं हूँ भारेश्वर महादेव टेंपल जो भाड़भूत गुजरात में आया हुआ है और बस यहाँ पे आश्रम भी है केवट आश्रम, तो यहाँ पे रुकने की सुविधा भी है और बाकी आपको मैं बताता हूँ। तो अभी मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ और यहाँ पे नर्मदा नदी भी है जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भारेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा व्हीकल पार्क है
और यहाँ पे सामने है। तो यहाँ पे रुकने के लिए धर्मशाला भी है। मंदिर दर्शन करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार नर्मदा मैया के दर्शन कर लेते हैं। भाड़भूतेश्वर महादेव मेला, जिसे मेनेकुम मेला भी कहा जाता है, भाड़भूत में हर 18 साल में भद्रवाह के महीने में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे नर्मदा मैया जी है, पर मुझे नीचे भी जाना, पर दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा कीचड़ है तो मैं जा नहीं सकता, वरना सर पे पानी डालता, पर बहुत कीचड़ है और तो मैं पूरा स्लीपी होता हूँ, इसलिए जा नहीं रहा। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे मछलियाँ भी तैर रही है। वैसे ये जगह काफ़ी शांत और काफ़ी खूबसूरत है। पहले मुझे लगा वो जो मंदिर था वो है, पर वो नहीं है, यहाँ पे मुख्य मंदिर का बोर्ड मारा है वो है। बारेश्वर महादेव नु मुख्य मंदिर, कितना महादेव। वैसे मंदिर के बारे में लिखा हुआ बोर्ड मुझे यहाँ पे कहीं दिखा नहीं, पर तो भी मैंने आपको एक बार मंदिर दिखा दिया, और मंदिर सही में काफी खूबसूरत है। तो पहले जब मैंने व्हीकल पार्क किया ना तो मुझे लगा वो मंदिर होगा, पर वो नहीं है। उसके एक्चुअली मैं जब नर्मदा वहाँ पे घाट पे गया ना तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर दिखा, तो फिर वहाँ पे लिखा था मुख्य महादेव नु मंदिर। पंचमुखी महादेव, काफी अच्छे दर्शन हो गए। तो चलो यहाँ पे मंदिर पे दर्शन हो गए। पहले मुझे ये वाला मंदिर लगा, पर उसके पीछे भी एक बड़ा मंदिर है तो वो भी देख लिया। और अभी मैं जा रहा हूँ नीलकंठ महादेव जाडेश्वर, जिसकी दूरी करीबन 26 किलोमीटर, टाइम लगेगा 46 मिनट। आराम करूँ फिर चार बजे निकल जाऊँ वापस। अभी तो टाइम की बात करूँ तो अभी करीबन 11:52 ही है। तो रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है। ये जो रोड है इस रोड का नाम है भरूच बाईपास रोड, भरूच में बस पूजा विधि मेरी हो जाएगी और वहाँ पे नमा परिया मेरी समाप्त हो जाएगी। मुना बार लेफ्ट है, भरूच राइट है। अच्छा, मैंने तो सीधा सीधा दिखा रहा है। तो अभी हम भरूच शहर में हैं और भरूच शहर काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आपको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी। भरूच में तो वापस मेरे गोप्रो का जो माइक था वो ख़राब हो गया था और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुई। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, शुरुआत यहीं से की थी। आई थिंक यहीं पे मेरा एक्टिवा पार्क था और अभी बस यहाँ पे पंडित जी से बात करूँगा और बाद में सब पूजा सब विधि करेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर आराम करूँ, उसके बाद करीबन अभी टाइमिंग की बात करूँ तो अभी करीबन 12:30 हो चुके हैं, तो धूप काफ़ी है ना, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर आराम करूँ और
तीन साढ़े तीन या चार बजे के वापस निकल लूँ, क्योंकि शाम तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा घर, क्योंकि तीन या चार घंटे का रास्ता है। इसके वजह से बस यहाँ पे पंडित जी से बात करते, फ़ोन करते हैं और ऐसा पूजा विधि करते हैं। और यहाँ पे पंडित जी से बात की तो पंडित जी ने बोला कि अभी तो बहुत धूप है, तो वहाँ पे मतलब घाट पे जाके मतलब बहुत धूप लगेगी ना, एक काम करो अपने 4:30 को आरती करते हैं और फिर तुम वहाँ यहाँ से मतलब अपनी अहमदाबाद के लिए चले जाना। मतलब ठीक है, चलो ये भी बात सही है, मैं थोड़ा आराम कर दूँगा। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जब मैं पूरी आरती वो सब करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो यानी नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 66 में मेरी नर्मदा परिक्रमा समाप्त हुई है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पूजा कराई थी, तो उसके बारे में दिखाऊंगा। मैंने अपने चैनल पे करीब 230 से अधिक वीडियोस बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो।